من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي المؤمنين وارج الصالحين سريح المستصرخين غياث المستغيثين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين الذي يؤمن الخائفين والمنجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتضاعف الزمان علينا فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الأبطحي البطحي الطامي الحجازي العربي العبد المؤيد والمحمود الأحمد والنبي الممجد والرسول المصدد والمصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله الدائمة الباقية القائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد جاء في التنذير بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أفضل المسلمين موت یہ سب اللہ کے لیے
वो अल्लाह जिसका कोई शरीक नहीं और उसी की जानिब से मैं इस अमर पे मामूर भी हूं और मैं उसके सामने सरे तस्लीम करने खम करने वालों में सबसे पहली फर्क हूं। मुमकिन है कि बाद हजरात इससे कब की दो मजलिसों में तशरीफ न लाए हूं, उनके लिए मैं अर्ज करता हूं कि मौजू है कानून मरकजियत और इस्लाम। मुझे इसी मौजू को सामने रखते हुए अपने तमाम अराइज आपकी खिदमत में पेश करना है, लेकिन आज चंद कलेमात सबसे पहले इस आयत के सिलसिले में कि वो कौन सा अहम तरीन पैगाम है कि जो पैगंबर के जरिए दूसरों को दिया जा रहा है और इस पैगाम का कानून मरकजियत से रद्द किया। बताइए इसमें जो बात कही जा रही है वो ये क्या है, नबी आप लोगों से कह दीजिए कि मेरी नमाज मेरी इबादतें इबादतों में सब कुछ आ गया। नमाज का अलग से तज़किरा है लेकिन नुसुकी जो कह दिया है, नुसुकी में तमाम इबादतें, रोजा उसमें शामिल है, हज उसमें शामिल है, ज़कात उसमें शामिल है, जिहाद उसमें शामिल है, अम्र बिल मारूफ उसमें शामिल है, नहि अनिल मुनकर उसमें शामिल है, हुकूक की अदायगी उसमें शामिल है, इनफरादी उमूर उसमें शामिल है, इज्तिमाई मसाइल उसमें शामिल है, तमाम इबादतें, मेरा उठना बैठना सोना जागना, मेरी जिंदगी और जिंदगी के साथ साथ मेरी मौत, ये सब अल्लाह के लिए, यानी मेरी पूरी जिंदगी का मेरे पूरे वजूद का मतलब अगर कोई है तो अल्लाह के ऊपर टिकाना। लेकिन आए शुरू हो रही लगभग कह दीजिए हजीरान मुहतरम कुरान का ये मिजाज है और कुरान का ये उसलूब है कि जब भी इंसानों से गुफ्तगू करता है तो ये देखता है कि जिन इंसानों से गुफ्तगू हो रही है उनका ताल्लुक किस गरोह से, यानी साहिबान ईमान से बात हो रही है या साहिबान कुफ्र व निफाक से गुफ्तगू हो रही है। अगर साहिबान ईमान से बात है तो कुरान बराह रास्त उनसे खिताब करता है, तवज्जो, बराह रास्त उनसे खिताब करता है, या जो अल्लज़ीन आमनू, आए वो लोगों की ईमान है, पैगंबर को दरमियान में वास्ता नहीं बना रहा, ज़हन भी बात में फुरे, जहां कहीं अल्लाह साहिबान ईमान को मुखातब करता है वहां अपने नबी को दरमियान में वास्ता नहीं करा देता, पैगाम जा रहा है पैगंबर के वसीले से, मगर किताब बराह रास्त है, या जो अल्लज़ीन आमनू ईमान वालों अल्लाह का तक्वा इख्तियार करो, सच्चों के साथ हो जाओ, और इसके अलावा कुरान में आयतें बड़ी बड़ी जहां बराह रास्त साहिबान ईमान को खिताब किया गया है, लेकिन जहां कहीं गैर मोमिनों को खिताब किया गया है, चाहे वो काफिर हों, चाहे वो मुनाफिक हों, चाहे वो मुशरिक हों, चाहे वो बुतपरस्त हों, चाहे वो बेदीन हों, जहां कहीं गैर मोमिन से गैर साहिबान ईमान से गुफ्तगू हो वहां पैगंबर को वसीला बनाया है, पैगंबर को वसीला नहीं, आप कह दीजिए मेरे हबीब आप कह दीजिए, कितनी आयतें हैं जो लफ्ज़े पुल से शुरू होती, कितने सूरे हैं जो लफ्ज़े पुल से शुरू होते, खुद हुवल्लाहु अहद, बच्चों मुशरिकों से गुफ्तगू थी, हम मेरे हबीब आप कह दीजिए कि अल्लाह को बस एक है, खुद हुवल्लाहु अहद, बच्चों कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ मेरे हबीब आप कह दीजिए ऐ काफिरों, यहां कुफार से गुफ्तगू थी, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, तवज्जो, ये उन लोगों से गुफ्तगू है जो एक तरह से जादू टोने किया करते थे, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये उन लोगों से गुफ्तगू है जिनके दिलों में शैतान वसवसे किया करते थे, तवज्जो, तो जहां कहीं भी गैर मोमिन से गुफ्तगू की है वहां पैगंबर को वसीला बनाया,
گویا قرآن نے اپنا مزاج بچروا دیا کہ انسان اللہ کے خطاب کا حقدار اس وقت بنتا ہے جب کم سے کم وہ ایمان لے آیا ہو, اور اگر ایمان نہیں لایا ہے تو کچھ بھی ہو جائے, نبی سے خطاب ہو سکتا ہے, نبی کو واسطہ بنایا سکتا ہے, مگر پروردگار عالم کو منہ نہیں لگاتا ہے. سلام پڑھ دے پر محمد والے فارمولے ہیں قرآن کے کہ اگر آپ انہیں اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں تو بہت سے مسائل کی بدھیاں خود بخود سلجھ جاتی ہیں. مثال دے دوں, پیغمبر کی خدمت میں اجر رسالت ادا کرنے کے لیے آنے والے آئے, بظاہر یہ سب کے سب مسلمان تھے, بظاہر سب کے سب اپنے صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ رکھتے تھے, لیکن پیغمبر کی خدمت میں آئے, یا رسول اللہ آپ نے ہمارے ارشاد و ہدایات میں, ہماری تبلیغات میں ہمیں صراط مستقیم پہ لانے کے سلسلے میں بڑی محنتیں اور مشقتیں برداشت کی, ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اس کا صلہ ادا کر دیں. عزیزان محترم, یہ گفتگو خود اس بات کی دلیل ہے کہ اتنے بیمار پد تھے جو پیغمبر کی عظیم تبلیغات کا ضلع ہماری دنیا سے ادا کرنا چاہتے تھے. عزیزان محترم, اگر ان کے سامنے کم سے کم جناب یوسف کا واقعہ ہوتا تب بھی انہیں جرأت نہ ہوتی کہ پیغمبر سے کہتے کہ رسول اللہ آپ کی تبلیغات کا آج ادا کرنا چاہتے. جناب یوسف کا واقعہ کیا, جس وقت جناب یوسف کو مصر کے بازار میں فروخت کیا جا رہا تھا تو انہیں ترازو کر کے بولا جائے گا, ایک پلے میں جناب یوسف ہے اور دوسرے پلے میں زر و جواہر کے انبار, سونے چاندی کے سکے, ہیرے جواہرات, لیکن جناب یوسف ہیں تو ان کا پلہ زمین پہ اور ہیرے جواہرات ہیں تو ان کا پلہ ہوا میں ہوتا ہے. یعنی جناب یوسف کو جو نبی تھے ان کو ہیرے جواہرات میں اور دولت و ثروت میں تولا نہ جا سکا. جناب یوسف نے خود کہا کہ اگر تم مجھے تولنا ہی چاہتے ہو تو ہٹا دو یہ سارے زر و جواہرات, یہ سارے سونے چاندی کے سکے, درہم و دینار, اور ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے رکھ دو. چنانچہ تمام ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے انبار ہٹا لیے گئے اور بسم اللہ کو جیسے ہی لکھ کے رکھا گیا تو اب مندر بالکل الٹا تھا, بسم اللہ کا پلہ زمین میں اور جناب یوسف کا پلہ ہوا میں معلق ہے. بات میں یاد رکھ لایا, باقی خبر یاد کر دوں کہ ذہن سوچنے رکھنا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دونوں کا پلہ برابر ہو جاتا, جناب یوسف نبی ہوتا بسم اللہ کے نام ہوتا, بسم اللہ کے نام ہوتا تو نبی اور کلام ہوتا, نبی اور کتاب ہوتا, ان دونوں کا پلہ برابر ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ کیوں ہوا کہ جناب یوسف کا پلہ ہلکا ہو گیا, بسم اللہ کا پلہ گیا ہو گیا؟ عزیزان محترم, اس کا جواب کہاں ملا؟ اس کا جواب ملا کوفے کی مسجد میں. توجہ, اس کا جواب ملا کوفے کی مسجد میں. ایک شخص ایسی گزری جس میں مولا کائنات جناب ابن عباس سے بیٹھ کے سورہ الانعام کی تفسیر, اور تفسیر بیان کرتے کرتے جب سفید سحری نمودار ہو گیا تو علی نے اپنے بیان کو یہ کہہ کے سمیٹا کہ ابن عباس بس اتنا سمجھ لو جو کچھ پورے قرآن میں وہ سورہ الحمد میں ہے, اور جو کچھ سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے, اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے, اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں وہ اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے پایا جاتا ہے. ابن عباس جانتے ہو بے کے نیچے کا نقطہ کون؟ فانا النقطۃ تحت الباء, بے کے نیچے کا نقطہ یہ کوئی اور نہیں ہے بے علی کی ذات ہے. My
मैं हूं भाई बिस्मिल्लाह के नीचे का नुकता। तो आप जवाब मिला नहीं मिला? अगर बात सिर्फ बिस्मिल्लाह की होती तो शायद यूसुफ का पल्ला और बिस्मिल्लाह का पल्ला बराबर होता, लेकिन बिस्मिल्लाह का पल्ला वजनी हो गया, यूसुफ का पल्ला हल्का हो गया। क्यों? इसलिए कि भाई बिस्मिल्लाह का नुकता कोई और नहीं बल्कि खातिमुन नबियीन का वसी है, वसी बिना फासल। चुनांचे मुझे कहने दीजिए कि यह बिस्मिल्लाह की लफ्ज नहीं बल्कि यह अली की शख्सियत का वजन था जो यूसुफ की शख्सियत को हल्का बना रहा था। खजूरों का भी अंबार होता रहा, सब अब बाकी मैं तक लाया हूं।
तो आज कड़वा मिले पत्नी, ये वो मुसलमान हैं जो ये समझते हैं कि हम पैगंबर की तबलीगान इन दुनिया के मालो अस्बाब के जरिए से हम चुका देंगे पैगंबर का सारा एहसान और फिर सुबुकदोष हो। अरे कैसे तुम इस नबी के एहसान से सुबुकदोष हो सकते हो जिसके तुफैल में कायनात खल्क हुई है, जिसके तुफैल में कायनात खल्क हुई है। كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اورف فخلقت الخلق لكي اورف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا جو میری معرفت کا ذریعہ ہے۔ وہ مخلوق کون تھی؟ کس کو پروردگار نے اپنی معرفت کا ذریعہ بنا کے پیدا کیا؟ کس سے پتا کر کے ہم اپنے لولا لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر آپ کی خلقت مضبوط نہ ہوتی تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا، کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ تو عزیزان محترم یہی وہ حالات ان شاء اللہ گفتگو اور آگے بھی آئے گی، یہی وہ افراد ہیں کہ جن کے توفیق میں کائنات پیدا بھی ہوئی، جن کے توفیق میں کائنات کی ہدایت بھی پائی، جن کے توفیق میں کائنات باقی بھی ہے، جن کے توفیق میں ہم آج بھی فیصلہ ہو رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر کے احسان سے کوئی خوش ہو جائے؟ لیکن یہ اپنے خیال میں، خلوص کے پہلو سے بھی کچھ لوگ تھے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ پیغمبر کی خدمت میں دائر پیش کیا۔ ایک بوڑھا صحابی، غریب صحابی، اس کے پاس کچھ نہیں، مسجد سے اٹھ کے گھر، لیکن رنجیدہ ہے۔ بیوی نے دیکھا کہ شوہر خاموش، یہ واقعہ غروب سے پہلے تھا اور پھر سلسلہ چلتا نا غروب تک قرآن بتایا، تو کہا کہ میرے سرتاج آپ خاموش جو، کہ تمہیں نہیں معلوم آج مدینے والے پیغمبر کی بارگاہ میں تحفے پیش کر رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہماری دنیا سے کہ آج کی خدمت دنیا میں پیش کر، تو کہا اس میں پریشانی کیا بات ہے، اللہ ہمارے حالات کا جاننے والا ہے، آج آپ بھی روزے تھے میں بھی روزے تھے اور ہم نے اپنے افطار کے لیے سوکھے ہوئے قورمے کا ایک دانہ بچا رکھا ہے، آپ اسی قورمے کو لے جائیے آنند کی خدمت میں تحفے کے طور پہ پیش کر۔ اس نے بیوی کے مشورے کو غنیمت جانا، اور حقیقت دیکھیے اس بیوی نے یہ قیمتی مشورہ دے کر قیامت تک کی بیویوں کو سبق دیا ہے کہ دیکھو بیوی وہ ہوتی ہے، شریک زندگی اس میں وہ ہوتی ہے جو شوہر کے غم کو ہلکا کرتی ہے، غم میں اضافہ نہیں کرتی، اور مشورہ بھی دیا تو ایمان سے بھرا ہوا۔ چنانچہ اس نے سوکھا ہوا خاک قورما لیا، آبا کے دامن میں چھپایا، اس لیے کہ ایک سوکھا ہوا خرما ایک کھجوروں کے انبار، ایک سے کھجورے ان کے سامنے سوکھے ہوئے قورمے کی حیثیت کیا ہے، لیکن نظریں بچا کے کسی صورت سے کھجوروں کے انبار میں شامل کر دی، کسی سے سرخی نہ ہو، خفت کا سامنا ہو۔ عزیزان ابھی تک وہی خاموش تھی، لیکن جہاں وہ سوکھا خورما شامل ہوا کھجور کے انبار، فوراً جبرائیل نازل ہوئے، فوراً جبرائیل نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد کہا یا رسول اللہ کھجوروں کے تمام انبار کو واپس کر دیے، درہم و دینار کو واپس کر دیے، زر و جواہر کو واپس کر دیے، اس لیے کہ یہ سب وہ چیزیں جو آپ کی تبلیغات کا ذرا نہیں بن سکتی، لیکن ہاں جب کھجوریں واپس کیجیے گا تو ساری کھجوریں واپس کر دیجیے گا، مگر اس سوکھے ہوئے خورمے کو نہ واپس کیجیے گا جو خلوص کے طرف میں سجا کے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، جسے وہ بوڑھا صحابی لے کے آیا ہے۔ عزیزان محترم اس واقعے نے کیا بتایا؟ قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو اللہ کی بارگاہ میں قبول وہی چیز ہوتی ہے جو خلوص کے ساتھ پیش کی گئی ہو، چاہے وہ مقدار میں گندی کیوں نہ ہو، ایک سوکھا قربانی کیوں نہ ہو، لیکن اگر خلوص نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، سناوا ہے، خود پسندی ہے، عجب ہے، تو یہ بھی پہلو پائے جاتے تو کتنی ہی چیز کیوں نہ ہو لوٹا دی جاتی ہے۔ جبرائیل پیغام لائے، وہ پیغام کیا تھا؟ قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، میرے حبیب ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ تم میری تبلیغات رسالت کا اجر ادا کرنا چاہتے تھے، یا تو اگر اجر ادا کرنا ہے تو
तो मेरे तलाबदारों से मेरे अहले बैत से मोहब्बत इख्तियार करो, मोहब्बत इख्तियार करो। तो इससे दो बातें पता चली। पहली बात यह कि पैगंबर की तबलीगात का सिला अगर कोई चीज बन सकती है तो वो मोहब्बत अहले बैत। और इसके अलावा कोई चीज पैगंबर की तबलीगात का अगर नहीं बन सकती। और दूसरी बात यह पता चली कि जैसा मैंने अर्ज किया कुरान का उसलूब यह है, कुरान का मिजाज यह है कि मुमिन से खिताब करना होता है तो या अय्युहल लज़ीना आमनू कहकर खिताब करता है, और गैर मुमिन से खिताब करता है तो लफ्ज़े खून के जरिए पैगंबर को वसीला बनाता है। अज़ीना मोहतरम, ये लोग जो अजर रिसालत अदा करने के आए थे, अगर इनको पहचानना है तो यही से पहचान लीजिए। अगर ये मुमिन होते तो कुदरत कहती या अय्युहल लज़ीना आमनू, लेकिन खुद से खिताब करके बता दिया कि देखो ये मुमिन नहीं है, चाहे मुनाफिक हो या गैर मुमिन हो। इस्लाम की नकार ओढ़ रखी है, ईमान का दवानी दावा है, लेकिन ईमान दिल में नहीं उतरा है। इस लफ्ज़े कुल ने बताया, इस लफ्ज़े कुल ने बताया, वही लफ्ज़े कुल शायद में कुल इन्ना सलात व नुसुकी। मेरे हबीब आप कह दीजिए, अगर साहिबान ईमान को बताना होता तो फिर भाई या जो अल्लाह दीन आम ईमान वालों, लेकिन गैर मोमिन से खिताब। दूसरे लफ्ज़ों में यूं कहा जाए कि उन लोगों से खिताब है जो मरकज से हटे हुए हैं। काफिर ये मरकज से दूर है, मुनाफिक ये मरकज से दूर है, मुशरिक ये मरकज से दूर है, बेदीन ये मरकज से दूर है, उन्हें पैगाम दिया जा रहा है। पैगंबर कहते हैं कि मेरे लिए मरकज जानते कौन है? परवरदिगार है, जाति परवरदिगार, मेरी जिंदगी का मेहमान है, मुझे सारे परवरदिगार। लिहाजा अगर तुम भी मरकज से वाबस्ता होना चाहते हो तो अपने लिए उस परवरदिगार को मेहमान बनाओ कि जो पहले उल्ला चाहिए। ये इस आय के जरिए पैगाम दिया, और पैगंबर ने यह भी बता दिया कि हर चीज के लिए एक मरकज का होना जरूरी है। जैसे मैं दो दिन से साइंसी हवाले के जरिए आज किसी मरकज कर रहा था कि कायनात में जितनी चीजें सबके लिए मरकज का होना जरूरी, उसी सूरत से इंसानों के लिए भी मरकज का होना जरूरी। वाकई इंसान अशरफुल मखलूक है, अशरफुल मखलूक जरूर है, मगर फिर भी बगैर मरकज के जिंदगी कामयाब बसर नहीं कर सकती, उसके लिए मरकज का होना जरूरी। लेकिन मरकज कौन सी चीज बन सकती है इंसान के लिए? अब अगर इंसान अपनी फिक्र से मरकज बनाता है तो मादी चीजों को मरकज बना लेता है, किसी के लिए मरकज दौलत बन जाती है, किसी के लिए जिंदगी का मरकज इख्तदार बन जाता है, इख्तदार की कुर्सी बन जाती है, किसी के लिए मरकज अच्छे खाने बन जाते हैं। ये बात मैं बिना वजह कह रहा हूं अजीजान, मतलब वो वाक्य नहीं आपको याद है जब पैगंबर ने एक साहब को बुलाया था और वो दस्तरखान पे बैठे हुए थे, पैगंबर ने आके कहा कि रसूलुल्लाह तुम्हें याद करवा रहे हैं, कहा आ हजरत से कह दो मैं भी खाना खा रहा हूं। पैगंबर बुला रहे हैं और आप खाना नोश फरमाने में मसरूफ हैं, यानी आपके नजदीक खाने की ज्यादा अहमियत है, पैगंबर की आवाज पे लबैक कहने की ज्यादा अहमियत नहीं है। पैगंबर ने तबक्कु फेंक दिया, कुछ देर के बाद फिर कजा बोला दावा तो है कि मैं कातिबे वही हूं, फिर मैं कहूंगा पता नहीं ये अरबी वाला वही है या उर्दू वाला वही। बेजवाब दिया कि हां हजरत से कह दो कि मैं खाना खा रहा हूं। तीन मरतबा ऐसा हुआ है, तब पैगंबर ने फरमाया ला अशफा अल्लाह बदला, अल्लाह कभी तुझे शिकम सीर न करे। तो तारीख गवाह कि ये शख्स मर के मर गया मगर पेट के जहन्नम की आग न बुझ सकी। तो किसी के लिए मरकज उसका पेट है, किसी के लिए मरकज अच्छे खाने हैं, बिरयानी ब्रॉ मुरखन जनाए नहारी, किसी के लिए मरकज अच्छे लिबास है, किसी के लिए मरकज आलिशान इमारतें और बिल्डिंगें हैं,
किसी के लिए मरकज, बेहतरीन चमकती हुई गाड़ियां, मर्सिडीज बेंज, तो इंसान मुख्तलिफ है। किसी के लिए मरकज पत्थर के बुत हैं, किसी के लिए मरकज दुनिया की दूसरी चीज है। पैगंबर ने कहा कि देखो तुम अशरफ मखलूक, ये चीजें इस बात की अहलियत नहीं रखती हैं कि तुम्हारे लिए मदद है। बुतों को क्यों अपना मरकज बना रहे हो जिन्हें खुद अपने हाथों से तराश दिया? दौलत को क्यों मरकज बना रहे हो जो कल धोखा देके तुम्हें कहीं भी जा सकती है? मकान को क्यों मरकज बना रहे हो जो कल खराबात में तब्दील हो जाएगा? खजाओं को क्यों मरकज बना रहे हो जो पेट में जाने के बाद खिलाजत में तब्दील हो जाती है? लिबास को क्यों मरकज बना रहे हो जो कल फट जाते हैं, फट जाने वाले हैं? दुनिया की किसी भी चीज को क्यों मरकज बना रहे हो जो तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती, तुम्हारी किसी जरूरत की तकमील नहीं कर सकती? मरकज बनाओ तो उस जात को मरकज बनाओ जिसने तुम्हें पैदा किया है। मरकज बनाओ तो उस जात को मरकज बनाओ जो तुम्हें रोजी दे रही है। मरकज बनाओ तो उस जात को मरकज बनाओ जिसने तुम्हारे सब पे अशरफियत का ताज रखा है। मरकज बनाओ तो उस जात को मरकज बनाओ जिसने तुम्हें अक्ल की नेमत से नवाजा है। मरकज बनाओ तो उस जात को मरकज बनाओ जिसने तुम्हें नफस की आमद और शुक्र अदा की है। मरकज बनाओ तो उस जात को मरकज बनाओ जिसने तुम्हें तमाम मखलूकात से अफजल बनाया है। मरकज बनाओ तो उस जात को मरकज बनाओ जिसने तुम्हें सोचते समझने वाला बनाया है। मरकज बनाओ तो उस जात को मरकज बनाओ जिसने अमल की मंजिल पर तुम्हारे हाथ पांव खुले रखे। उस जात को मरकज बनाओ जो तुम्हारी हर जरूरत की तकमील कर सकती है। उस जात को मरकज बनाओ जो खुद बेआयब है, उसमें किसी तरह का नक्श नहीं पाया जाता। उस जात को मरकज बनाओ जो महबूबा शरीक है। पैगंबर ने यह पैगाम दिया इस आयत के जरिए, और इसी के जरिए यह पैगाम भी जो मेरे इस मौजू से मरबूत है कि हर चीज के लिए मरकज का होना जरूरी है। तो मरकज के साथ उस वाबस्तगी भी जरूरी है। क्यों? इसलिए कि मरकज से वाबस्तगी ये बाखा का बाइस है। तवज्जो, ये दो एक मरीज और गुजर कर दिए, शर्मा आप नतीजा लेके उठेंगे। मरकज से वाबस्तगी इसलिए जरूरी है, मरकज से वाबस्तगी जिंदगी का बाइस है, हयात का बाइस है, बका का बाइस है। लेकिन इसकी मिसालें बहुत सारी हैं। वही निजाम शमसी वाले के साथ पहली दिन ऐसे कहते थे अगर कोई सितारा अपने मरकज से जुदा हो जाता है तो वो टूट के ला महदूद फनाओं में गुम हो जाता है, अपने वजूद खो देता है। उसके अलावा नमक के लिए मरकज नमक की कहां है नहीं है। नमक अगर अपने मरकज से निकल जाएगा और पानी में पहुंच जाए उसका वजूद खत्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है, भूल जाता है। शक्कर के लिए मरकज शक्कर का अंबार है, अगर शक्कर वहां से निकल के पानी में चली जाए तो वजूद खत्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है, भूल जाती है। तो हर चीज अगर अपनी जिंदगी चाहती है, अपनी बका चाहती है, तो उसके लिए जरूरी कि मरकज से वाबस्तगी। लेकिन वाबस्तगी भी हकीकी वाबस्तगी हो। हकीकी वाबस्तगी का मतलब एक जबानी वाबस्तगी होती है, एक अमली वाबस्तगी होती है। हकीकी वाबस्तगी से मुराद ये कि किसी भी हाल में किसी भी वक्त मरकज से साथ छूटने न पाए। ऐसी वाबस्तगी मजबूत हो कि कभी भी मरकज से दूरी ना होने पाए। इस बात को समझा दिया पैगंबर की मेराज के एक लम्हे ने। मैं तेरे को मुतवज्जे कर रहा हूं, मेरा पढ़ना मकसद नहीं है अजीजान मोहतरम, लेकिन उसके लिए मुझे माहौल तो बनाना। पैगंबर आराम फरमा रहे, जिब्राइल हुक्म परवरदिगार लेके आए, देखा हजरत आराम फरमाए, अदब माने हुआ, आहिस्ता आहिस्ता कदमों को आगे बढ़ाया और फरिश्ते ने मलाके मुकर्रम ने अमीन वही ने अपनी आंखें पाए अद्दते रिसालत से मस्त। क्या कहना, जिब्राइल की आंखें रसूलुल्लाह के कदमों से मस्त हो रहे, नूर ने नूर की ठंडक महसूस की। तवज्जो, हुक्म हजरत बेदार हुए और बेदार होने के बाद हुक्म परवरदिगार सुना, हुक्म परवरदिगार सुना, जिब्राइल ने कहा या रसूलुल्लाह मैं आपके लिए सवारी भी लाया हूं और आप मौजूद हैं।
पैगंबर ने फरमाया जिब्राइल ठहर जाओ, मुसलमान छाया, दो रकअत नमाज पढ़ो, आप बुरान को सलाम दे। सवारी अब रवाना हो रही, मुझे इस्तेदार करना है, उस इस्तेदार वाले मसले को ध्यान में रखिएगा, उसे मिस न कीजिएगा, सवारी चलेगी। लेकिन मैं कहूंगा यार रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको अपनी बारगाह बुलाया था, अपने हबीब को बुला रहा है आपको, तो इस मुलाकात में जितनी जल्दी हो, जितनी उजरत हो की जाए, या फिर ताखीर कैसी, जिब्राइल ठहरो, मैं पहले तजदीद वजू कर लूं, मुसल्ला बिछा लूं, नमाज पढ़ लूं, फिर कुरान पे बैठे, आखिर कुछ तो वक्त सर्फ हुआ होगा। अच्छा नहीं के नबी आवाज दे कि ये भी तुम्हारी बीमार है, पति है जो तुम समझ रहे हो कि अल्लाह से मुलाकात अर्शी पे जाके हो सकती है, नहीं, ये वो खुदा है जो जमान और मकान का पाबंद नहीं है, अर्श पे जाके बाद में मुलाकात होगी, फर्श पे पहले मुलाकात करूंगा। ये मुलाकात की जल्दी ही का जज्बा है जो मैं मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ूंगा। पैगंबर ने नमाज पढ़ी और अब कुरान पे सवार हुए और अब सवारी रवाना हुई, कोया सवारी रवाना होते होते पैगंबर ने खामोशी से बता दिया कि देखो हर मेराज का आगाज नमाज से होता है, अगर तुम्हें भी मेराज की हकीकत चाहिए तो सजदे से मुंह न मोड़ना, सलाम करने वाले को मजा आएगा। सवारी चली और आप नदियों की तरफ रवाना हो गया, जमीन से बुलंद हुआ फजा में पहुंचा, फजा से बुलंद हुआ हवा में पहुंचा, हवा से बुलंद हुआ खला में पहुंचा, खला से बुलंद हुआ समा में पहुंचा, और उसके बाद मजीद बुलंदियां जितने आसमान थे उन्हें पीछे छोड़ता हुआ बड़ा आगे बढ़ता रहा, यहां तक के सिद्रतुल मुंतहा की मंजिल पहुंच गया। सिद्रतुल मुंतहा की मंजिल पहुंच गया, बात है बाबा तकी की बरकत से, इसे ध्यान रखिए। कौन कौन साथ में क्या पैगंबर के, पैगंबर और पैगंबर के साथ बुरान और जिब्राइल, जिब्राइल सिद्रतुल मुंतहा को रुक गए, मजबूरी जो भी हो, वजह जो भी हो, जिब्राइल सिद्रतुल मुंतहा को रुक गए। यार सुनवा, अब मैं यहां से आगे नहीं बढ़ सकता, क्यों आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए कि यही मुंतहाए परवाज है। लौटाऊं तो अंगुलतन लहता रख, एक अंगुल भी आगे बढ़ा तो चल जाऊंगा। और ये बात जिब्राइल ने पैगंबर के जवाब में कही है, पैगंबर ने कहा जिब्राइल आगे क्यों नहीं, रुक क्यों गए, ठहर क्यों गए। तब फरिश्ते ने कहा कि लौटाऊं तो अंगुलतन लहता रख, मैं कहूंगी यार रसूल अल्लाह, क्या आप फरिश्ते के बारे में नहीं जानते कि उसकी हद मोलियत है, अगर हद से आगे बढ़ेगा तो चल जाएगा, फिर भी आप उसे क्यों बुला रहे। कहा इसलिए बुला रहा हूं कि कहीं आइंदा सदियों का बेमालिक मुअर्रिख वो मेरी सीरत लिखने के लिए बैठे तो ऐसा ना हो कि वो मेरे अखलाक के दामन पे धब्बे लगा दे कि नबी साहिब होते अजीम थे वो बेचारा फरिश्ता जो जमीन से अर्श तक, अर्श से कुर्सी तक और फिर उसके बाद सिद्रतुल मुंतहा तक नबी के साथ सफर में शरीक था, पैगंबर ने उसे अखलाकन भी आगे आने के लिए नहीं कहा और खुद आगे बढ़ गए। कहा मैंने उसे बुला लिया है, मलक समझदार होगा, अपनी हर विवाह भी रहेगा, ना समझ होगा अब से आगे बढ़ेगा, जबकि साथ सफर हो जाएगा। लेकिन बात अगर पूरी जिब्राइल से भी खिताब करूंगा, जिब्राइल तुम रुक गए, ठीक ठाक गए, कुछ ख्याल भी है, किसके साथ में आग में गए हो, मेरी जसारतों को माफ करना, किसके साथ में आग में गए हो, आदम के साथ मेराज में नहीं गए हो, नूह के साथ मेराज में नहीं गए हो, इब्राहिम के साथ मेराज में नहीं गए हो, मूसा के साथ मेराज में नहीं गए हो, इब्राहिम के साथ मेराज में नहीं गए हो, गुज़श्ता नबियां हालात नबियां अलैहिस्सलाम इनमें से किसी के साथ मेराज में नहीं गए हो जिनकी बद्दुआ से अंगारे बरसा करते थे, जिनकी बद्दुआ से तूफान आया करते थे, जिनकी बद्दुआ से आंधियां आया करती थी। ए जिब्राइल नबी रहमत के साथ मेराज में गए हो, रहमत बचा लेगा, अजब नहीं की जिब्राइल की आवाज में अरे ना समझ, तुझे मालूम नहीं नबी रहमत का फायदा किसके लिए है, नबी रहमत का फायदा उसके
के लिए जो अपनी हद में बाकी हो, जो हद को पहचान के बरकरार रहता है उसे नबी अहमद पैदा हो जाता है, लेकिन जो अपनी हद को पहचान के न पहचाने और आगे बढ़ने की कोशिश करे उसे नबी अहमद नहीं बचाता, चाहे पहलू में बैठने वाला हो या पहलू में दफन होने वाला। पैगंबर के साथ बरात है, जिब्राइल ने साथ छोड़ दिया, लेकिन एक मंजिल आई कि जहां पे बरात भी ठहर गए, उसके बाद दूसरी सवारी रह गई रसरफ की शक्ल में, पैगंबर ने रसरफ पे सवारी की। ये नूरानी सवारियां, बरात क्या है, रसरफ क्या है, इमाम आई की रोज की हकीकत पता चले। पैगंबर रसरफ पे आगे बढ़े और एक वो भी मंजिल आई जहां रसरफ भी ठहर गया। अब पैगंबर पापयादा तशरीफ ले जा रहे हैं, नूर की फजा में पैगंबर पापयादा तशरीफ ले जा रहे हैं। एक आवाज है जो आ रही, उदनु मिन्नी, मेरे हबीब और करीब, मेरे हबीब और करीब, मेरे हबीब और करीब। पैगंबर उस आवाज पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अजीजा ने मुहतरम, मैं आप पूछता हूं, पढ़िए तारीख और मुझे पढ़ के बताइए कि पैगंबर ताबा पहुंचे और अदना की मंदिर तक पहुंचे, पापयादा गए थे लेकिन नालायन पहन के गए थे या नालायन उतार के गए थे? तवज्जो, नालायन पहन के गए थे या नालायन उतार के गए? वो जनाबे मूसा थे जिनके लिए हुक्म आया था फसला नालाय इन्नका बिलवादिल मुकद्दस तुआ, ए मूसा नालायन उतार के आना को है दूर पे, इसलिए कि तुम वादिय मुकद्दस में हो। जनाबे मूसा को हुक्म दिया कि नारायण उतार के आओ मेरी बारगाह में, और यहां काबा हुसैन की मंदिर पे पैगंबर जा रहे हैं तो नारायण पहन के जा रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, नारायण मादी चीज है या नूरानी चीज है? नूर से बनी है या माध्य से बनी है? अजीजा ने मतलब जिब्राइल नूरानी थे या माध्य से पैदा हुए थे? बुरा नूरानी था या माध्य से रूप में आया था? अजीजा ने मतलब इस बात से कुछ साबित न हो, लेकिन कम से कम मेरा मसला और मेरा मसला बढ़ा साबित होता है। मेरी बात बढ़ा साबित पहुंचती है। वो क्या? मैंने कहा था कि बावस्तगी हकीकी होना चाहिए, हकीकी होना चाहिए, यानी किसी भी हाथ में मरकज का साथ ना छूटे। चुनाचे मलक ने साथ छोड़ा, जो भी मजबूरी रही हो, काबा हुसैन तक ना पहुंच सका। बुराक ने साथ छोड़ा, काबा हुसैन तक ना पहुंच सका। रसरफ ने साथ छोड़ा, कुबराक वो भी काबा हुसैन तक ना पहुंच सका। लेकिन पैगंबर की जूतियां जो नबी के कदमों से लिपटी रह गई, वो गैर मादी थी, मगर काबा हुसैन के मंदिर में पहुंच गई। सलाम चीज उसको मरकज से दूर नहीं कर सकती, उस फायदे से महरूम नहीं कर सकती। लेकिन अगर वाबस्तगी जबानी हो, वाबस्तगी में कमजोरी हो, तो फिर मरकज से फायदा नहीं पहुंचाएगा। इसी उसूल के तहत अब आपको पूरे इस्लाम का मुताला करना है। मौजू है कानून मरकज किया पर इस्लाम, पूरे इस्लाम का मुताला करना है इसी फलसफे के तहत। इस्लाम के बाद देखेंगे तो शुरू से आखिर तक पूरे इस्लाम में कानून मरकजियत आपको हक नजर आएगा। क्यों? इसलिए कि कानून मरकजियत निजाम फितरत का हिस्सा है और इस्लाम उस चीज का नाम है जो दीन फितरत है, उस दीन का नाम है जो दीन फितरत है। लिहाजा हर जगह आपको कानून मरकजियत नजर आएगा, दुनिया से लेकर दीन तक, जुजियात से लेकर कुलियात तक, उसूल से लेकर फुरू तक, अकाय से लेकर अहकाम तक, जहां कहीं भी आप देखेंगे, हुकूम से लेकर कानून जजा व सजा तक, तौहीद से अदल तक, अदल से नबुव्वत तक, नबुव्वत से इमामत तक, इमामत से विलायत तक, विलायत से अकीदे माद तक, अकीदे माद से कयामत तक, कयामत से इताअत तक, इताअत से मौत तक, मौत से बदकब्र तक,
से महशर तक, महशर से कब से बरकत तक, बरकत से महशर तक, महशर से मीजान तक, मीजान से शफात तक, शफात से सिरात तक, सिरात से जन्नत तक, जन्नत से कौसर तक, कौसर से निराज परवरदिगार तक, तमाम एतकाद उसी पुरत से, उसूल से फुरूत तक, नमाज से रोजे तक, रोजे से हज तक, हज से ज़कात तक, ज़कात से खुम्स तक, खुम्स से जिहाद तक, जिहाद से अमर बिमारूफ तक, अमर बिमारूफ से नहीं मुनकर तक, नहीं मुनकर से तवल्ला तक, तवल्ला से तवल्ला तक, हुकूक से अखलाकियात तक, तालीमात से इंतवाली जिंदगी तक, इंतवाली जिंदगी से इज्तिमाही मसाइल तक, इज्तिमाही मसाइल से इंतवाली जिंदगी तक, तमाम मसाइल इस्लाम में आपको नजर आएंगे, कानून मरकजियत हर जगह बाकी سوال کیا ہے ولید نے مدینے میں کہ آپ یزید کی بیعت فرمائیں امام مزید ترجمہ ہے اس کا مجھ جیسا انسان یزید جیسے شخص کی بیعت کرتے میری ذات میں وہ مرکز ہے جس سے وابستگی انسانوں کی دنیا اور سعادتوں کا صاف قرار پاتی ہے دنیا اور آخرت کی سعادتوں کی ضمانت دیتی ہے اور یزید کون ہے کہ یزید کے چہرے کو نہیں پہچانتا جو فسق و فجور کا مجسمہ ہے یزید جس کا دامن نجس معصیت کے دھبوں سے زیادہ ہے یزید جس کا ہاتھ بے گناہ مسلمانوں اور انسانوں کے خون سے رنگین ہے یزید جو شارب الخمر ہے یزید جو لہو لہو میں مبتلا رہتا ہے یزید کے جس کے یہاں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی یزید جو ہے حیوانیت کا مجسمہ مجسمہ انسان یزید جیسے شخص کی ناممکن یہ بات امام نے دربار میں بھی کہی اور یہی بات مدینے کے بازار میں کہی مرکز اپنی طرف بلا رہا ہے اور لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ تم مرکز سے دور ہوتے چلے آ رہے چنانچہ جب مروان نے امام علی مقام رحمۃ اللہ علیہ امام علی مقام کو دیکھا اس نے بازار میں تو اس نے جسارت کی اور یہ کہا کہ فرزند رسول میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں امام نے کہا میں مروان کے کیا کہنا چاہتا ہوں تو اس نے کہا میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ یزید کی بیعت کرو یہ اس کی جسارت تھی امام نے اس وقت جملہ سنا کہ بیچاری اور بل پاؤ گئے دیکھیے یہ فاتح خیبر کا لال ہے رسول اللہ کے بدن امام مسئلہ نہیں دیکھیں گی جگہ دربار نے بالکل کے انکار کیا بازار میں اٹھ گیا اور زیادہ سرار کے ساتھ لوگ دیکھ رہے ہیں مجمع سن رہا ہے امام نے کہا کہ مجمع کان کھول کے سن لے میرے جد رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مسلمان مجھے بول بھی رہا ہے کہ تم ہمت دے حاکم شام کو دیکھنا تو اس کا شکم چار کر دیا تم نے ایسا نہ کیا نتیجے کے طور پہ اللہ نے تمہیں یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کی دعوت میں مبتلا کیا اور مروان کان کھول کے سن لے کہ خلافت کو پروردگار عالم نے آل ابو سفیان پہ حرام کر دیا چاہتا ہے کہ فاطمہ کا لال یزید کی بیعت کر یہ کیسے ممکن ہے لیکن امام جانتے تھے کہ فضل رسول کو اس انکار کی قیمت کیا ادا کرنا پڑے
इसके लिए आमादा हो गए। नाना के मदीने को खैबार कह रही, माँ और भाई के कब्र से जुदा हो रही, प्यारे मदीने को हमेशा के लिए अलविदा कह रही, ये सारे बड़ा है। और उसके बाद फिर मक्के मौजमा में गया, लेकिन जब वहां भी बना रही तो इमाम ने वहां से भी सफर किया। हाँ, इसी दरमियान में जब कूफे वालों के खुदूत आना शुरू हुए और कसरत से खुदूत आए, तारीफ बताती है हजारों की तादाद में। अजीदा मतलब ये आज का तरक्की याफ्ता दौर नहीं है क्या आप इंटरनेट पर बैठ जाए और सिर्फ बटन क्लिक करते चले जाए और मेल जो है हजारों की तादाद में दुनिया में पहुंचती चली जाए। एक खत लेके जाने में कितना वक्त लगता था, एक खत के लिए कम से कम एक खासी दरकार होता था। और उस जमाने में जब ऊंट से और घोड़ों से करते कितने खुदूत, हजारों की तादाद, बात तारीख है इतनी 12,000 खत। और बात तारीख कहती कि 12 मिट्टी के बड़े बड़े मटके भर गए थे खुदूत से, इतने खुदूत। फिर इमाम ने अपनी जिम्मेदारी महसूस की कि इमाम हुज्जत के लिए किसी को कूफे भेजा जाए। जनाब मुस्लिम नदीम को रवाना किया, अपना सफीर बना दिया। जिस वक्त जनाब मुस्लिम नदीम कूफे पहुंचे हैं, तारीफ बताती 18,000 इंसानों ने, 18,000 लोगों ने एक नशिस्त में जनाब मुस्लिम नदीम के हाथों में इमाम बदलों की बैत की, 18,000। लेकिन जब ये खबर पहुंची है शाम और बसरे, बसरे में हाकिम था इब्ने ज़ियाद और शाम में यजीद था, और इस दरमियान में यजीद ने ख्वाब भी देखा कि मेरे दरमियान और अहले इराक के दरमियान आम और खून का एक दरिया है जो हाई है, मैं उसे उबूर करना चाह रहा हूं, नहीं उबूर कर पा रहा हूं, लेकिन यह बेचारे मर जा रहे हैं। उसने घोड़े को एड़ लगाई और आम और खून के दरिया को उबूर कर लिया। तो यजीद के दरबारियों ने ताबीर यह दी कि अहले इराक तेरे सामने सरे तस्वीर नहीं खत्म करेंगे उस वक्त तक जब तक तू इब्ने ज़ियाद को हाकिम बना के उदय। चुनांचे इब्ने ज़ियाद को बसरे से कूफे ले जाए, जैसे ही कूफे आया उसने लोगों को डराने का काम शुरू किया। नतीजा क्या हुआ कि एक वो दिन जब 18,000 आदमियों ने जनाबे मुस्लिम नबी के हाथ में बैत की थी, और दूसरा वो दिन भी आया कि जब नमाज ईशा पढ़ने के बाद जनाबे मुस्लिम नबी पीछे मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ 3 या 4 आदमी, और जब मस्जिद से बाहर निकले तो ये भी 4,000 साथ छोड़ के चले गए। अब सफीर हुसैन मुस्लिम नबी कूफे में डरे डर रहा है, इसलिए कि वो तमाम के तमाम शिया में अहले बैत जो जनाबे मुस्लिम नबी की पुश्तराई कर सकते थे, मसलन जनाबे हानि में उर्वा और इस तरह के अपराध, या उन्हें कैद कर दिया गया या उन्हें शहीद कर दिया गया। अब जनाबे मुस्लिम जाने तो कहां जाए, कूफे के तमाम दरवाजों पे पहरे लगे थे कि अगर जनाबे मुस्लिम नबी शहर से बाहर जाने की कोशिश करते तब भी गिरफ्तार किए जाते, जासूस छूटे पे, यहां तक कि कूफे की कोई गलियों में दिन भर भटक गए। जब शाम का झुटपुटा वक्त आया तो एक मोमिना के घर के पास दीवार से टेप लगा के खड़े हो गए। ये वो मोमिना थी जिसको तारीख ने तौआ के नाम से याद किया है। तौआ का एक बेटा था बिलाल जो हुकूमत की दस्तगाह में और फौज में काम करता था। तौआ बार बार दरवाजे पे आती थी, देखती थी बिलाल आया ही नहीं आया। मैं ज्यादा तफसील में बात याद नहीं होगा, सिर्फ हमें और आपको अशोक नजरान पेश करना, इससे आज मुहर्रम की 3 तारीख हो चुकी है, तो लेकिन क्या आमादा हो जाइए। तौआ ने देखा कि एक मुसाफिर वो भी दरवाजे से टेक लगाए हुए खड़ा हुआ है। चुनांचे उसने कहा, ऐ मर्द आला, मैं समझती हूं तू कूफे का रहने वाला नहीं है, जमाना खराब है, हालात बुरा शोर है, मैं तुझसे यही नसीहत करूंगी कि तू अपने घर की राह ले। जैसे ही जनाबे मुस्लिम नबी से उसे जुमला कहा, जनाबे मुस्लिम नबी ने सर बदल करके कहा कि ऐ मोमिना ये बता कि वो शख्स कहां जाए जिसका नहीं कोई घर, जो इस शहर में गरीबुल बदर हो, गरीबुल दयाल हो। तो आम नाम से तो जनाबे मुस्लिम को जानती थी मगर शक्ल से नहीं पहचानती। उसने कहा कि फिर ये बताए कि आप कहां के रहने वाले हैं। जनाबे मुस्लिम नबी ने कहा कि तो हुसैन को जानती है, हम हुसैन को क्यों नहीं जानते, वो मेरे इमाम मेरे मौला है। कहा है तो हाँ मैं उसी हुसैन का तबीर उसी अपने आप ही हूं। लेकिन इस तआवुन से पहले, इस
पहले जो वाक्य पेश आया वो रोलाने के लिए काफी है। जिस वक्त कौरा ने कहा कि मर्दियाराम अपने राजा, दयानुष्णी ने कहा कि ऐ मोमिना अगर मुमकिन हो तो एक कटोरा पानी का ले आ, मैं अपनी प्यास बुझाऊं। तो कटोरे में पानी का एक जनाब अकीम ने पीना चाहा, लेकिन उस कटोरे में आपके दंदाने मुबारक से खून आ गया, नहीं पी सके। जनाब सुन सोचा कि शायद अब दुनिया का रिस्क मेरे किस्मत से उड़ गया। फिर तुम्हारे कहा कि आप अपने घर जाइए, तो जनाब सुन ने बताया कि मैं मुस्लिम नबी हूं। उसने कहा कि आप फिर घर में तशरीफ ले आइए, मैं आपकी कमीज हूं, ये घर आपकी खिदमत में हाजिर है। तो वहां जनाब हुसैन नकी को अपने घर के पहचाने में ले गई, वहां जनाब हुसैन नकी ने मुसल्ला बिछा दिया, इबादत परवरदिगार में मशगूल हो गए। और उधर उसका बेटा हुकूमत की तरफ से जनाब हुसैन नकी की तलाश में पूरे दिन सर करता था, रात गए देर से वापस आया तो उसने किसी की इबादत की आवाज सुनी। अब पहचाने में गया तो देखा जनाब हुसैन नकी नमाज पढ़ रहे हैं। अजीजान मोहतरम, इसी असना में जब जनाब हुसैन नकी को नमाज से कुछ फुर्सत मिली तो आप में मुनूदगी की कैफियत जारी हुई। इतने में आपने मौलाए कायनात अमीर मोमिन को ख्वाब में देखा, कह रहे हैं कि मुस्लिम अब मेरे पास आने के लिए तैयार हो जाओ, मुस्लिम अब मेरे पास आने के लिए तैयार हो जाओ। सुबह का वक्त हो रहा था, जनाब हुसैन नकी ने नमाज सुबह अदा की और उधर कौमा के बेटे ने वहां जासूसी की, लश्कर आने लगे जनाबे मुस्लिम नकी को गिरफ्तार करने के लिए। जनाबे मुस्लिम अपने अकील ने अपने जिस्म पे जरा पहनी, तलवार हाथ में लेके बाहर निकलने लगे तो वहां ने रोका। जनाबे मुस्लिम कहते हैं, हम आज रसूल हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तेरे घर की हुरमत आया जाए, मैं गली में जाऊंगा और इससे जंग करूंगा। चुनाचे बाहर निकले, जंग कर रहे हैं। आखिर मुस्लिम भी कौन है, खानदान रिसालत की एक फर्द। जनाबे मुस्लिम नकी को गिरफ्तार करने के लिए बड़े बड़े सूरमा भेजे गए थे, उनमें मोहम्मद इब्ने अशरफ भी था जो सैकड़ों के लश्कर के साथ आया था। लेकिन जब जनाबे हुसैन नकी पे काबू न पा सके तो मोहम्मद इब्ने अशरफ इब्ने ज़ियाद के पास पैगाम भेजा कि अमीर और फौज भेज दे। इब्ने ज़ियाद ने जुमला कहलवाया कि मोहम्मद इब्ने अशरफ वाय हो, एक मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए इतना बड़ा लश्कर काफी न हुआ, तो और फौज मांगा। तो इब्ने ज़ियाद के जवाब में मोहम्मद इब्ने अशरफ ने यही कहा था, इब्ने ज़ियाद पहचानता भी है किसके सामने तुझे पूछे रह जा रहे, ये आम शख्स नहीं है बल्कि आने का भतीजा है मुस्लिम। खानदान रिसालत की एक फर्द है, मेरा सामना खानदान रिसालत की तरबारों में से एक तरबार से है। जहां मुस्लिम पे जब इस तरह से काबू ना हासिल कर सके तो एक गड्ढे को खतो खाशाक से भर दिया गया और फौजें पीछे हटने लगी। जनाब हुसैन नकी हमला करते हुए आगे बढ़ रहे थे और उस तारीखें बताती है कि चारों तरफ घरों की छतों से कीड़ों की बारिश हो रही थी। जनाब हुसैन नकी जब जंग करते हुए आगे बढ़े उसी गड्ढे में गिरे जिसमें खतो खाशाक को भर दिया गया था। जब उसमें गिरे अब दुश्मनों की फौज भागी हुई आई और उसने जनाब हुसैन नकी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके जनाब मैं यकीन किए ये जुमले इसलिए पढ़ रहा हूं कि वाकई करबला नामुकम्मल है अगर जनाब मुस्लिम नकी की शहादत न बयान की जाए, इसलिए कि सफीर हुसैनी वाकई करबला की शहादत का सरचश्मा मुकदमा है, पेशखैमा है। अजीजान मोहतरम, जनाब मुस्लिम नकी के हाथ को जंजीरों से बांध दिया गया और इस आलम में ले आए इब्ने ज़ियाद के दरबार में। गुफ्तगू में लिखा था इब्ने ज़ियाद के दरबार में जब आए तो किसी ने कहा कि मुस्लिम अमीर को सलाम करो। देखिए ये है ईमान। जनाब हुसैन नकी उस दरबार में कहते हैं कि माली अमीर सिवल हुसैन, याद रहे कि मेरा कोई अमीर फातिमा के लाल हुसैन के अलावा नहीं है, मैं अगर सलाम करूंगा तो हुसैन को सलाम करूंगा, गैर मुमकिन है कि इब्ने ज़ियाद जैसे फातिम को फातिम के सामने मैं झुक जाऊं उससे सलाम करूं। इब्ने ज़ियाद कहता है अच्छा मुस्लिम तुम सलाम करो ना करो मगर तुम्हें कदर बहाल किया जाएगा। कदर का उसने हुक्म दे दिया। इससे पहले जनाब मुस्लिम नकी ने पानी की खाली दाली की, पानी लाया गया प्यास का गलबा था लेकिन जनाब मुस्लिम नकी ने पीना चाहा तो फिर आपके दर मुबारक से खून आया और पानी में शामिल हो गया, उस पानी को फेंक दिया गया, दूसरा पानी लाया गया उसमें भी यही सूरत हाल पेश आई, तीसरा पानी लाया गया उसमें भी यही सूरत हाल पेश आई। जनाब मुस्लिम नकी ने कहा पानी में जिंदगी छूट गया, मैं
मुसलमान मेहमान की सबकी बर्दी पे लाए, जनाबे मुस्लिम नबी ने कहा कि ऐ अल्लाह ठहर जा, ऐ अल्लाह ठहर जा, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। तो अगर नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद मक्के का रुख किया, क्यों? इसलिए कि अपने इमाम को मक्के में छोड़ के आए थे। मक्के का रुख करके जनाबे मुस्लिम नबी फरमाते अस्सलाम की सीरत है और उधर इमाम इराक की सदर में पहुंच रहे हैं, यहाँ